हेलो दोस्तों, आज का वाटर कलर ट्यूटोरियल में हम लोग दिखाने वाले हैं पोर्ट्रेट ड्राइंग। हम आज विराट कोहली का पोर्ट्रेट ड्राइंग करेंगे। तो जैसे कि आप लोग शायद जानते हैं, पिछले हफ्ते में विराट कोहली का बर्थडे हुआ था। उसको डेडिकेट करने के लिए आज का इस वीडियो शुरू करने वाले हैं। तो आइए पहले ड्राइंग कर लेते हैं और आप लोग देखते रहिए। किसी भी पोर्ट्रेट ड्राइंग करने के पहले तो दो प्रोसेस ध्यान में रखना पड़ेगा, वो है, एक तो है ग्रिड मेथड। अगर किसी भी फोटोग्राफ देख के आप लोग एक्यूरेट ड्राइंग करना चाहते हो, ग्रिड मेथड अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग वेल स्किल्ड हो या ग्रिड मेथड में इंटरेस्ट नहीं हो तो आप लोग फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हो। और एक भी कारण से आप लोग फ्री हैंड ड्राइंग चूज़ कर सकते हो कि अगर आप लोग फ्री हैंड ड्राइंग प्रैक्टिस करना चाहते हो, ऑब्वियसली आप लोगों का फ्री हैंड ड्राइंग में किसी भी पोर्ट्रेट या किसी भी चीज़ का ड्राइंग करना चाहिए, ग्रिड को भूल जाना चाहिए इसी भी कारण से। तो पहले एक छोटा सा मेजरमेंट कर लेता हूँ। पोर्ट्रेट का जो हिस्सा, फेस का जो हिस्सा पेज में जहाँ रहेगा वहाँ एक ओवल शेप ड्राइंग कर लेता हूँ। उसके बाद उसका सारा जो पार्ट वगैरह है वो ड्राइंग करेंगे। आप लोग ड्राइंग करने के लिए किसी भी डार्क पेंसिल यूज़ कर लेना है और उसको ज़्यादा प्रेशर मत डालना है। तो फेस का पर्सपेक्टिव के हिसाब से पहले जो नोज़ का जो वर्टिकल लाइन होता है वो पहले ड्राइंग कर लिया, और उसके बाद आंखें या आईब्रोज का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको ड्राइंग कर लिया, और उसके बाद कान का जो पोर्शन है उस पार्ट का जो प्लेट है उस प्लेट का ड्राइंग करने के लिए एक वर्टिकल लाइन ड्राइंग कर लिया। तो ओवरऑल इस साइड से इस पोर्ट्रेट का दो पार्ट दिख रहा है। एक फेस का फ्रंट का जो हिस्सा होता है उसका प्लेट, और फेस का जो साइड वाला जो हिस्सा होता है जिस तरफ कान रहे थे उसका हिस्सा, उसका प्लेट। तो इस प्लेट, दोनों प्लेट के ऊपर मेजरमेंट करके सब कुछ ड्राइंग कर लेंगे। पहले दोनों आंखें, उसके बाद तो एक एक करके फेस का जो नोज, होंठ या फेस का जो आउटलाइन होता है वो सब मेज़रमेंट करके ड्राइंग कर लेंगे। किसी भी पार्ट में डार्क वाला जो हिस्सा होता है वो शायद हो सकता है बाल वगैरह या आँखों का जो शेडो, सब कुछ एक स्ट्रोक देके उसका एक टोन डाउन करना पड़ेगा ताकि हम समझ पाए कि कहाँ डार्क पार्ट है और कहाँ लाइट पार्ट है। तो मेरा ओवरऑल ड्राइंग हो चुका है, अभी कलर करने वाले हैं। तो पहले बता दूँ, कलर करने से पहले बता दूँ कि जब वाटर कलर करने वाले हैं हम, तब उसका जो ड्राइंग का जो जो डीप ड्राइंग है ना, उसमें वाटर कलर मिलके कभी कभी डार्क इफेक्ट आ जा सकते हैं। इसलिए एक क्ले इरेजर यूज़ करके उसका लाइन ड्राइंग का जो हिस्सा है, जो डार्क हिस्सा है वो थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे ताकि वो कलर को किसी भी हालत में डिस्टर्ब ना कर सके।